गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवांकुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशि। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं, अर्थात जिन राशियों को हम माप सकते हैं। जैसे ये आपको पेज दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई को मापा जा सकता है, अर्थात लंबाई एक भौतिक राशि है। किसी वस्तु को हम तौल सकते हैं, अर्थात उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है, समय को हम घड़ी के माध्यम से माप सकते हैं, अर्थात समय एक भौतिक राशि है। तो सभी वे राशियाँ जो मापी जा सकती हैं भौतिक राशियाँ होती हैं। हर चीज़ को माप पाना संभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख यहाँ पर एक भौतिक राशि नहीं होगी, क्योंकि दुख का मापन कर पाना संभव नहीं होता। आगे है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली हैं मूल राशियाँ, दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, यानी कि किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे मुझे इस पेज की लंबाई मापनी है तो मुझे यहाँ पर द्रव्यमान, समय और किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यहाँ पर इसकी जो लंबाई है यह एक मूल राशि है। तो वे राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं या किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की जो संख्या है वह 7 है। यहाँ पर आपको 3 मूल राशियाँ लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके अलावा 4 मूल राशियों को और जोड़ा गया है, उसके में अंतर्गत पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा आती है। इस तरह से मूल राशियों की जो कुल संख्या है वह 7 है। दूसरी जो राशियां हैं वह हैं व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि चाल, चाल का अगर फॉर्मूला देखें तो होता है लेंथ अपॉन टाइम। लंबाई एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है। दो मूल राशियों से हमें एक नई राशि प्राप्त हो रही है, चाल। अर्थात चाल जो है वो इन दो मूल राशियों पर निर्भर है, तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है। इसी तरह त्वरण, बल, संवेग, आवेग, घनत्व, आयतन व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सभी व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद देखते हैं मापन। मापन क्या होता है? अगर हमें किसी भौतिक राशि के परिमाण का ज्ञान करना है, परिमाण का मतलब है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, सटीक अनुमान लगाना। तो अगर किसी भौतिक राशि का हमें परिमाण ज्ञात करना है तो इस हेतु उसे हमें मापना पड़ता है। मापन करने के दो तरीके हैं या फिर दो विधियाँ हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि जिसमें मापन किसी उपकरण की सहायता से किया जाता है, उसे हम मापन की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं और थर्मामीटर की सहायता से किसी भी वस्तु या द्रव का ताप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मामीटर हमें ताप का एक मान बताता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस एक मान है या एक माप है
जिसे हमने एक उपकरण थर्मामीटर की सहायता से निकाला है। तो यह प्रत्यक्ष विधि द्वारा मापन का एक तरीका है और कोई भी उदाहरण इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। अप्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि जिसमें मापन सूत्र की सहायता से किया जाता है, उसे हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी है, तो इस दूरी को निकालने के लिए कोई उपकरण बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह दूरी बहुत अधिक है। इसके लिए हम चाल बराबर दूरी अपॉन समय इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चाल प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। तो इस आधार पर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी निकाल सकते हैं, जो कि लगभग 1 खगोलीय मात्रक के बराबर होती है, जिसका संख्यात्मक मान 1.496×10^11 मीटर होता है। तो इस तरह हम दो तरह से मापन कर सकते हैं। भौतिकी में इन दोनों ही तरीकों का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है भौतिक राशि को व्यक्त करना। किस तरह से हम किसी भौतिक राशि का प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से भौतिक राशि को दर्शाएंगे। भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। पहला है मात्रक, दूसरा है संख्यात्मक मान। जैसे मान लीजिए इस पेज की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसे व्यक्त करने के लिए हमने दो चीज़ों का उपयोग किया। 20 सेंटीमीटर, जो 20 है वह एक संख्या है, सेंटीमीटर एक मात्रक है। तो इन दोनों को जब हम बताते हैं तो हम किसी भौतिक राशि को पूरी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। किसी भी एक के माध्यम से भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। जैसे यदि बोला जाए इस पेज की लंबाई 20 है या इस पेज की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो ये दोनों ही बातें अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। भौतिक राशि को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए हमें दोनों चीज़ों को साथ में बताना होता है। अगला जो है वह है मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी भौतिक राशि की संदर्भ मानक से तुलना कर दी जाती है। इस संदर्भ मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे आज हम लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। प्रारंभ में कोई मीटर नहीं होता होगा, लोग रस्सी के माध्यम से या हाथ के माध्यम से लंबाई मापते होंगे। समय के साथ धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक पैमाना बना लिया होगा, जिसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया गया होगा। तो यह दूरी एक संदर्भ है, एक मानी गई दूरी है, जो कि मनुष्य ने ही मानी है। अर्थात यह एक संदर्भ मानक है जिसका उपयोग हम लंबाई को मापने में कर रहे हैं। तो इस संदर्भ मानक मीटर को हम मात्रक कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं किलोग्राम। जैसे हम किसी वस्तु को मापने के लिए कुछ बाटों का उपयोग करते हैं, तो ये बाट वास्तव में पदार्थ के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को भी एक निश्चित मात्रा में लेकर किलोग्राम बना दिया गया होगा। अर्थात ये सभी क्या हैं? मानक, मानी गई चीज़ें हैं। तो इनको ही हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो तरह के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। जो हमने मूल राशियां पढ़ी, उन मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या होती है 7 और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या निश्चित नहीं है। इन 7 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं वो सभी व्युत्पन्न मात्रकों के अंतर्गत आती हैं। मात्रक और उसके संख्यात्मक मान में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं।
एक किलोग्राम में जो संख्या उपयोग की जा रही है वो है एक, और मात्रक है किलोग्राम। 1000 ग्राम में संख्या का उपयोग किया जा रहा है 1000, और मात्रक है ग्राम। यहाँ पर किलोग्राम एक बड़ा मात्रक है जबकि एक एक छोटी संख्या है। ग्राम एक छोटा मात्रक है जबकि 1000 एक बड़ी संख्या है। और दोनों में देखा जाए तो दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं। अर्थात जब हम बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं तो उसके साथ छोटी संख्या आती है, जब हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं तो उसके साथ एक बड़ी संख्या आती है। अर्थात इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध पाया जाता है। अगला है मात्रकों की पद्धतियाँ। पद्धति का मतलब है कुछ मात्रकों का समूह। भारत में 4 तरह की पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उसमें CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। पहली जो पद्धति है यह है CGS पद्धति, इसे हम फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब है सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरी पद्धति है FPS पद्धति। यह पद्धति भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई है। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरी पद्धति है MKS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। अगली है SI पद्धति। SI पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है, अर्थात यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विश्व के सभी देशों में इस पद्धति का समान रूप से उपयोग किया जा रहा है। जैसे अगर लंबाई का मात्रक SI पद्धति में मीटर माना जाता है तो इसका उपयोग भारत, अमेरिका, चीन सभी देशों में एक समान रूप से होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी होती है, सुविधा होती है। SI पद्धति को अगर डिटेल में देखा जाए तो ये गणना में बड़ी आसान होती है। आसानी से हम एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। इस पद्धति में कुल 9 राशियाँ होती हैं जिनमें 2 कैटेगरियाँ हैं। पहली हैं मूल राशियाँ, दूसरी हैं व्युत्पन्न पूरक मूल राशियाँ। मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप, विद्युत धारा। 2 पूरक मूल राशियाँ हैं जो कि SI पद्धति बनने के बाद में जोड़ी गई हैं। उनके अंतर्गत आती हैं कोण और घन कोण। इन के मात्रक यहाँ पर लिखे हुए हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर। इसी तरह कोण का SI मात्रक रेडियन, घन कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन। यहाँ पर मात्रकों के प्रतीक लिखे गए हैं। इन प्रतीकों को स्मॉल लेटर्स में लिखा गया, लेकिन 2 प्रतीक ऐसे हैं जिन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। इसके पीछे कारण है ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं। अर्थात अगर हम SI पद्धति में किसी मात्रक का प्रतीक लिखते हैं और वह प्रतीक एक वैज्ञानिक के नाम पर होता है तो उसे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर वैज्ञानिक का नाम नहीं है तो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। इन प्रतीकों को लिखने के बाद किसी भी तरह का कोई पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो है वो है SI पद्धति के मात्रकों की हम परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले लंबाई। यहाँ से पेपर में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो लंबाई के हम 3 तरह के मात्रक देखते हैं। पहला है SI मात्रक, दूसरा है आकाशीय मात्रक, तीसरा है परमाण्विक मात्रक। तो लंबाई का जो SI मात्रक है वह है मीटर। मीटर की अगर परिभाषा दी जाए तो हम ये बोल सकते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/29/97/92/458 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है वह दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। दूसरा है आकाशीय मात्रक।
इन मात्रकों का हम उपयोग हम आकाश में स्थित पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए करते हैं, अर्थात इन मात्रकों का उपयोग बहुत बड़ी दूरियों को मापने में किया जाता है, जिसमें पहला है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यह चक्कर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में होते हैं। कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। तो हम यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को लेते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है, इस माध्य दूरी को ही हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे हम AU से डिनोट करते हैं, ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, यू फॉर यूनिट। तो 1 AU इक्वल्स टू होता है 1.496 × 10^11 मीटर, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी है। दूसरा आकाशीय मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी है, इसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। पेपर में जनरली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब हम सब यहाँ पे देखते हैं वर्ष, और वर्ष हम जानते हैं समय का मात्रक है, तो हम यहाँ पे समय लिख देते हैं, जो कि गलत है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, यह है लंबाई का मात्रक है, और लंबाई में भी यह आकाशीय मात्रक, यानी बहुत लंबी दूरियों को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 × 10^15 मीटर। इसे अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 10^15 के स्थान पर 10^12 हो जाएगा। अगला जो मात्रक है, यह है पारसेक। पारसेक लंबाई को मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक की परिभाषा दी जा सकती है, पृथ्वी के लघु अक्ष द्वारा जिस बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनता है। अब 1 सेकंड को समझते हैं। जैसे हम गणित में कोण बनाना सीखते हैं, दो रेखाओं के बीच एक कोण बनता है। अगर हम 1 डिग्री का कोण बना दें, जो कि अपने आप में बहुत ही छोटा होगा, दोनों लाइनें बहुत ही पास पास आ जाएंगी। इस 1 डिग्री के कोण को हम पुनः 60 भागों में विभाजित कर दें, तो जो एक कोण बनेगा वह 1 मिनट का होगा। फिर इस 1 मिनट के कोण को पुनः 60 भागों में विभाजित करेंगे, तो एक छोटा सा कोण बनेगा, जिसे हम 1 सेकंड बोलेंगे। यहाँ पर एक के ऊपर दो लाइनें बनी हुई हैं, इन दो लाइनों का मतलब है सेकंड, और अगर एक लाइन बनी होती है तो इसको बोला जाता है मिनट। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, और ये इसका अक्ष है, और यहाँ से इसने एक बिंदु पे जाके इस तरह का एक कोण बना दिया। तो ये जो कोण है, अगर ये कोण 1 सेकंड का होता है, तो इस पृथ्वी और इस बिंदु के बीच की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को ही हम 1 पारसेक कहते हैं। पारसेक अभी तक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक में 3.08 × 10^16 मीटर होते हैं, या फिर इसे हम 3.26 प्रकाश वर्ष भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है परमाणविक मात्रक। वे मात्रक जिनका उपयोग हम परमाणु स्तर पर दूरियों को मापने में करते हैं, ये लंबाई के बहुत ही छोटे मात्रक होते हैं। इसके अंतर्गत पहला है माइक्रो या फिर माइक्रोन। तो जो 1 मीटर है, उसके 10 लाखवें भाग को हम 1 माइक्रोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये छड़ है, इस छड़ की लंबाई है 1 मीटर। इस छड़ के हम छोटे छोटे 10 लाख टुकड़े कर देते हैं, तो एक छोटा सा जो टुकड़ा आएगा, उसकी लंबाई 1 माइक्रोन होगी। इस पैमाने का उपयोग जनरली जीवाणुओं के आकार को मापने में किया जाता है। इसके बाद है नैनोमीटर, यह लंबाई का और भी छोटा मात्रक है। 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर के बराबर।
इसके बाद है एंगस्ट्रॉम, ये और भी छोटा मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर के बराबर होता है। अगला एक पिकोमीटर या फिर एक माइक्रो माइक्रोमीटर, यह है 10^-12 मीटर के बराबर होता है। अगला है एक फर्मी, जो कि 10^-15 मीटर के बराबर होता है। फर्मी लंबाई को मापने का बहुत ही छोटा मात्रक है। इसका उपयोग हम परमाणु के अंदर जो नाभिक पाया जाता है, नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं, उन कणों के बीच की दूरी को मापने में करते हैं। तो इस तरह से हमने तीन तरह के मात्रक देखे, SI मात्रक, आकाशीय मात्रक और परमाण्विक मात्रक। इसके बाद है द्रव्यमान के मात्रक। तो द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम की परिभाषा, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना जाता है। जैसे हम अगर आज की स्थिति में 1 लीटर कोई पदार्थ खरीदते हैं, 1 लीटर कोई लिक्विड लेते हैं, तो वह लिक्विड वास्तव में 1 किलोग्राम का नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है। अगर हम उस टेम्परेचर को कम करते हुए 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं, तो जो 1 लीटर पानी होगा, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हम द्रव्यमान के भी छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं, ग्राम, मिलीग्राम। इसके बड़े मात्रक में क्विंटल, टन आदि मात्रक आते हैं। इसके बाद है समय का मात्रक। समय का जो SI मात्रक है वो है सेकंड। 1 सेकंड को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, 1 माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग। अब ये 1 माध्य सौर दिवस क्या होता है? आपको पता है जो सूर्य है उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं ग्रहों में एक हमारी पृथ्वी भी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो इस तरह इसकी दो तरह की गतियाँ होती हैं, एक होती है वृत्तीय गति जो कि सूर्य के चारों ओर होती है, एक होती है घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर होती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे जो समय लगता है उसी को बोला जाता है 1 माध्य सौर दिवस, जिसे हम जनरली दिन प्लस रात बोलते हैं। इन दिन और रात को टोटल मिलाकर हम 24 घंटे का मानते हैं। अगर इस 24 घंटे को हम छोटे छोटे भागों में विभक्त करें, 86,400 छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देंगे, तो जो एक अंश आएगा उसी को हम 1 सेकंड बोलते हैं। इसके आगे के जो SI मात्रक हैं उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।